गंगा में आई बाढ़ के मद्देनजर एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में स्थित गहमर इंटर कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी को सीएम के आने का इंतजार था। इसी बीच जैसे ही सुबह करीब 10:30 बजे लोगों के कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज पहुंची, उत्साह के बीच उनकी नजरें आसमान की तरफ टिक गई। गहमर इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बाढ़ सामग्री राहत को देखते हुए संबंधितों से पूछताछ की। इसके बाद बाढ़ प्रभावित 182 परिवारों में राहत सामग्री का वितरण किया, जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों संग बैठक भी की। इसमें सीएम योगी ने बाढ़ के संबंध में जानकारी लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रदेश के मुखिया ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि गाजीपुर जिले में 32 ग्राम पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री वितरित किए जाने की जरूरत है। पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के साथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। यह कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक बाढ़ समाप्त नहीं हो जाती। प्रेस वार्ता के बाद दिन में 11:30 बजे सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बलिया के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।